हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? तो हम लोग अभी बात कर रहे थे जो ऑर्बिट्स हैं उनके बारे में हमने बात करी, और बाकी चीज़ों के बारे में हमने बात करी, ठीक है। रॉकेट्स के बारे में बात करी, विभिन्न प्रकार के जो रॉकेट होते हैं वो किस किस तरह से बने हुए हैं और उनके बारे में उनके फंक्शन क्या हैं, वो सब हमने देख लिया, ठीक है। अब हम जो साइंस टेक के अंदर में एक अगला और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम उस पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ठीक है। सूचना, हेडिंग लिख लो, सूचना एवं संचार संचार प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी। याद रखना, आपके एग्जाम में इस टॉपिक से कम 2 प्रश्न, चलिए इसमें डाल दे, कम से कम 2 प्रश्न आपको इस टॉपिक से देखने को मिलेंगे। इसलिए जितना पढ़ाया जा रहा है ध्यान से पढ़ लेना। देखिए, हमने जब मैं सूचना और संचार पौधी की बात करता हूं, तो पहली बात तो सर ये होती क्या है, सूचना बोले तो क्या होता है आपका इंफॉर्मेशन, संचार बोले तो कम्युनिकेशन, ठीक है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी, ठीक है। सूचना बोले तो एक जगह से दूसरी जगह सूचना भेजना, हम कैसे भेजते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन बोले तो एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट करना, जैसे अभी मैं आपसे कम्युनिकेट कर पा रहा हूं, किस माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, ऐप के माध्यम से, हम इस तरह से आपके आपसे कम्युनिकेट कर पाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें कैसे पॉसिबल हो पाती हैं, ये सब चीजें कैसे पॉसिबल हो पाती हैं, जरा हम उनको भी देख लेते हैं। ये सब चीजें, आवाज वगैरह आपकी ठीक आ रही है, ये सब चीजें कैसे पॉसिबल होती हैं इनको हम देख लेते हैं। देखिए, हमें जब मैं सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की बात करता हूं, आप देखिए, हमें संचार करने के लिए या सूचना को भेजने के लिए, एक तरह से काम पे जब हम संचार करते हैं तो हम सूचना को ही भेजते हैं ना, तो संचार करने के लिए हमें 2 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। कितने चीजों की? हमें संचार करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए हमको 2 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। सर, ये 2 चीज क्या क्या होती है? एक चीज जो होती है इसे हम बोलते हैं मीडियम, एक चीज क्या होती है इसे हम बोलते हैं मीडियम यानी कि माध्यम हमें चाहिए होता है, किस तरह से हमें सूचना, हमें किस तरह से हमें कम्युनिकेशन करना है, ठीक है। दूसरा हमें, एक हमें चाहिए माध्यम, और दूसरा हमें चाहिए होता है क्या सर? सिग्नल, ठीक हो गया है। दूसरा हमें क्या चाहिए? सिग्नल। जैसे समझिए, अभी जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, आप मुझसे बात कर रहे हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं, इसके लिए हमें क्या चाहिए? 2 चीज। एक तो चाहिए हमें माध्यम। सर, ये माध्यम क्या होता है? माध्यम आपका 2 प्रकार का हो सकता है। एक तो हो सकता है आपका वायर, ठीक है। एक क्या हो सकता है आपका? बे, ये वायर वाला हो सकता है, यानी कि तार माध्यम है, कहते हैं तार माध्यम, वायर वाला, ठीक है। क्या हम लोग वायर से जुड़े हुए हैं? अभी नहीं जुड़े हुए, ठीक है। तो दूसरा कौन सा हो गया? वायरलेस। दूसरा कौन सा आपका? बे। दूसरा आपका होता है वायरलेस, यानी कि हम बोलते हैं बेतार। क्लियर? तो माध्यम कितने प्रकार के होते हैं आपके? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका कौन सा? एक कौन सा था आपका? एक वायर होता है, एक होता है आपका वायरलेस। क्लियर हो गया? अब देखिए यहां पे सर, ये सिग्नल क्या होते हैं फिर? किनको बोलते हैं सिग्नल? याद रखना, हम जो भी बात कर रहे हैं इसके लिए दूसरा माध्यम क्या? सिग्नल, ठीक है। आपके फोन में आप जहां पे भी आप देख रहे हैं उसमें सिग्नल आ रहा होगा, जब भी आप इस वीडियो को आप देख पा रहे हैं, बात समझना, सिग्नल सर क्या होते हैं? ये भी आपके 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये भी क्या होते हैं सर? 2 प्रकार के होते हैं। एक सिग्नल जिन्हें हम बोलते हैं एनालॉग सिग्नल, क्या बोलते हैं इनको हम यहाँ पे? एनालॉग सिग्नल कहते हैं। एक कौन से होता है आपका? बे, एनालॉग सिग्नल। दूसरे जो सिग्नल होते हैं इन्हें हम कहते हैं डिजिटल सिग्नल। कौन से होता है? बे। दूसरे होता है बे, इन्हें हम बोलते हैं डिजिटल, डिजिटल सिग्नल हम इन्हें कहते हैं। सर, क्या अंतर होता है? देखिए, एनालॉग सिग्नल वो सिग्नल होते हैं जिनकी माप बहुत एक्यूरेट नहीं होती है। आप ऐसे समझ लें, जैसे मुझे इस पेन की लंबाई को मापना है, सर इसकी लंबाई कितनी है, ठीक है। मैं क्या करूंगा भाई, इसकी लंबाई का तो मेजरमेंट मेरा पक्का वाला नहीं है मेरे पास। अब मैंने क्या किया? मैंने एक स्केल लिया, मैंने क्या किया? एक स्केल लिया, उसमें इसको मैंने ऐसे रखा, ठीक है। मैंने कहा ये जो लंबाई है ये 6 इंच है, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई कितनी है? बोला मैंने 6 इंच है। लेकिन वास्तव में मैंने मापा क्या? मैंने तो इसकी माप को मापी ना,
मैंने क्या मापा इसकी, मैं तो इसका मेजरमेंट लिया ना, इसका थोड़े ना लिया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक इसका एक अनुमान लगाया, इसकी लंबाई इतनी हो सकती है किसके माध्यम से, इस स्केल के माध्यम से, ठीक है। तो बेसिकली जो एनालॉग सिग्नल होते हैं ये एक तरह की आइडियोलॉजी होती है। क्या होती है सर ये आइडियोलॉजी? मतलब एक अनुमान पे आधारित माप ये करती है, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान रखना, ये जो है ये एनालॉग सिग्नल जो है ये नंबर की काउंटिंग नहीं करते हैं। सर नंबर की काउंटिंग का मतलब क्या है आप समझिए, दिखा पे। जैसे मैंने आपसे बोला एक घड़ी है, इस घड़ी में 12:10 हो रहे हैं, 12:10 हो रहे हैं। अब अगर आपके पास एक ऐसी घड़ी हो जिसमें 12:10 बज रहे होंगे, ठीक है, या 12:11 हो रहे होंगे, 12:00 हो रहे होंगे, 11, आप बोलोगे, मैं आपको बोलूंगा सर कितना टाइम हो रहा है, कितना, आप कोई कहेगा 11:10 हो रहे हैं, कोई कहेगा 11:09 हो रहे हैं, कोई कहेगा 11:11 हो रहे हैं, कोई कहेगा 11:12 हो रहे हैं, मतलब बहुत एक्यूरेट आप नहीं बता पाओगे। लेकिन इसी की जगह पे आपके पास एक ऐसी घड़ी हो जो बचपन में आती थी, वो टू टू करने वाली, जिसमें साइड से दो बटन लगे रहते थे, हम उनको दबाते ऐसी बस खेल करते थे, कि आपको याद है। अब यहाँ पे उस घड़ी में लिखा होता था यहाँ पे 12:11, क्या आप देखें। अब देखिए यहाँ पे, अब मुझे आप यहाँ पे ज्यादा एक्यूरेट कौन सा है भाई, इसने ज्यादा एक्यूरेट किया है या इसने ज्यादा एक्यूरेट किया? जाहिर सी बात है इसने ज्यादा एक्यूरेट किया। अगर सबके हाथ में ये वाली घड़ी हो, मैं पूछूंगा टाइम कितना हो गया, सब एक साथ में 12:11 बताएंगे, क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब याद रखना, ये क्या लिखे हुए हैं, डिजिट, अंक लिखे हुए हैं। तो डिजिटल सिग्नल जो है ये अंकों पर आधारित होते हैं, ठीक है। आप यहां पर लिख सकते हैं ये क्या होते हैं, आप ये अंकों की कैलकुलेशन करते हैं, यानी कि डिजिट, ये जो है ये डिजिट की कैलकुलेशन यानी कि गणना करते हैं, जबकि जो एनालॉग सिग्नल होते हैं ये डिजिट की गणना नहीं करते हैं, ठीक है। ये क्या नहीं करते हैं, आप यहां पर लिख लेना है, ये डिजिट की गणना नहीं करते हैं, ये डिजिट लिख लो, डिजिट की गणना, ये नहीं करते हैं। बात आपको समझ आ रही, ठीक है, ध्यान से पढ़ना, थोड़ा ध्यान से समझ के चलना, तभी जाकर के मामला आपका सेट हो पाएगा। एक बात आप यहां पर, ये जो सिग्नल होते हैं ना ये कंटिन्यूस होते हैं, सतत तरह से चलते ही हैं। आप एक बात ये याद रख लेना, अभी मैं आपको समझाऊंगा ये सतत क्या होता है। ये जो होते हैं ये असतत होते हैं, मतलब कंटिन्यूस नहीं होते हैं, ये होते हैं असतत। एक बात अभी ये समझ लेना, ठीक है। अभी मैं आपको समझाता हूं ये सतत और असतत का मतलब क्या है। मतलब ये जो सिग्नल है ये कंटिन्यूस होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं, ये कंटिन्यूस नहीं होते, ये डिसकंटिन्यूस होते हैं। एक बात समझ आप, ज्यादा एक्यूरेट कौन है सर, ज्यादा एक्यूरेट कौन है, ये वाले कि ये वाले हैं, जाहिर सी बात है। तो क्वालिटी में ज्यादा अच्छे सिग्नल कौन से, ये वाले, ठीक है। ये क्या होते हैं सर, क्वालिटी में क्या होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। ये जो सिग्नल है ये क्वालिटी में, ये सिग्नल क्वालिटी में उतने अच्छे नहीं होते हैं। इसका मतलब आजकल हम जिन सिग्नलों का प्रयोग करते होंगे अपने विभिन्न संचार प्रौद्योगिकी में या संचार या फिर उपकरणों में, हम किन सिग्नल का प्रयोग करते होंगे, हम डिजिटल सिग्नल का। इसका मतलब क्या है, अभी आप और हम जिस माध्यम से जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो सिग्नल कौन से वाले हैं, आपके डिजिटल सिग्नल हैं, क्लियर हो गया, ठीक है। अभी आपका फोन, लैपटॉप, मोबाइल सब किस पे चल रहे हैं, डिजिटल सिग्नल पे चल रहे हैं, कि आप बात कर लीजिए, क्योंकि इसकी जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, वो अधिक है। अब एक कथन, जो डिजिटल सिग्नल है ये सिग्नल बिट का प्रयोग करते हैं, ये सिग्नल बिट का प्रयोग करते हैं, और बिट में ये 0 और 1 बिट का ये प्रयोग करते हैं। किस करते सर, पे 0 और 1 बिट का क्या करते हैं, ये प्रयोग करते हैं। एक बात और समझ लेना, ठीक है, इन सिग्नलों में जो ये वाले सिग्नल होते हैं, इन सिग्नलों में आवाज ज्यादा आती है, नॉइज शोरगुल ज्यादा होता है, मतलब बहुत बढ़िया क्वालिटी नहीं है ना, शोरगुल ज्यादा होता है, नॉइज ज्यादा होती है, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो एनर्जी है वो ज्यादा खर्च होती है। मतलब देखिए आपने देखा होगा जो ये वाली घड़ियां होती है ना, ये वाली घड़ियां इनके सेल जल्दी खत्म हो जाते हैं, जबकि जो ये वाली घड़ी होती है ना उसका सेल अपेक्षाकृत इससे देर में खत्म होता है, ठीक है। ये सिग्नल क्या करते हैं, एनर्जी भी ज्यादा खर्च करते हैं, क्लियर हो गया, ठीक है। तो आपको बात क्या समझ में आ गई है, मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में
हमें दो आइटमों की आवश्यकता पड़ती है, एक मीडियम हमें जो वायर हो सकता है, जैसा वायरलेस हो सकता है, जैसा हम लोग अभी वायरलेस बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है, सिग्नल। सिग्नल सर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आपके एनालॉग सिग्नल जो डिजिट की गणना नहीं करते हैं, ठीक है, जो सतत होते हैं, क्वालिटी में बहुत अच्छे नहीं होते हैं। दूसरे होते हैं आपके डिजिटल सिग्नल जो डिजिट की गणना करते हैं, क्वालिटी में अच्छे होते हैं, असतत होते हैं, और ये बिट का प्रयोग करते हैं। सर कौन सी बिट? 0 से 1 बिट का ही क्या करते हैं, ये प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक। चले अब यहां पर दिखा पे, इसमें एनर्जी वगैरह कम खर्च होगी, नॉइस वगैरह इसमें कम रहेगा। अब हम थोड़ी आगे बात करते हैं, इन इस संचार प्रौद्योगिकी के लिए जो हम इन सिग्नलों को हम भेजते हैं। अब सिग्नल का मतलब क्या? एक्चुअल में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में हम जो सिग्नल भेज रहे हैं, हम बोल रहे सिग्नल, सिग्नल का मतलब एक्चुअल में क्या भेज रहे हैं? हम भेज रहे हैं तरंग। हम क्या भेज रहे हैं यहां पर? हम तरंगों को भेज रहे हैं। हम क्या आप बात कर रहे हैं? अब जरा सा देखिए यहां पर, हम संचार के लिए, कॉपी के बीच में लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात, अभी तक हमने जितना पढ़ा उन सब में सबसे महत्वपूर्ण, संचार के लिए हम जिन सिग्नलों का प्रयोग करते हैं, मतलब सिग्नल में हम जिन तरंगों का प्रयोग करते हैं, उन्हें हम कहते हैं सर विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय तरंग हम कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम सर? यहां पे विद्युत चुंबकीय तरंग। पहला क्वेश्चन तो सबसे आसान प्रश्न जो आपके पेपर में आपको देखने को मिलेगा वो कौन सा होगा कि संचार प्रौद्योगिकी में हम संचार के लिए हम किन तरंगों का प्रयोग करते हैं? तो आप क्या बताओगे? हम विद्युत चुंबकीय तरंगों का हम प्रयोग करते हैं। एक बात समझ आ गई है? अब देखिए यहां पे, जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है ना, विद्युत चुंबकीय तरंग है ना, एक मैंने ऐसा कर दिया, ठीक है, इस जो ये एक विद्युत चुंबकीय तरंग ये है ना, अब मैं जरा सा आपको इसका स्पेक्ट्रम दिखाता हूं। सर स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है? मतलब इसे खोल के देखते हैं, इस तरंग को हम थोड़ा सा अलग अलग भागों में बांट के देखते हैं, ठीक है। मैं बनाने वाला हूं विद्युत चुंबकीय तरंग का स्पेक्ट्रम, जहां से आपके भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक ही डायग्राम में आपको सारा समझ आने वाला है, ठीक है, लेकिन ध्यान से समझ लेना क्या करने वाले हम इस विद्युत चुंबकीय तरंग का स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम हम इसका पढ़ने वाले हैं, मतलब इसे हम खोल खोल करके देखने वाले हैं। अब जगह पे एक बात आप यहां पे समझना, मोटी मोटी बात जो आपको यहीं पे लिख लेनी है, विद्युत चुंबकीय जो तरंगे होती हैं, पहली बात ये तरंगे उदासीन होती हैं। सर कैसी तरंग होती है? ये उदासीन तरंगे होती हैं। और दूसरी बात, निर्वात में लिख लो, निर्वात में प्रकाश, प्रकाश की गति के साथ ये गति कर सकते हैं। मतलब निर्वात में प्रकाश की गति, से गति कर सकते हैं, मतलब सर क्या हो गया? निर्वात में जितनी प्रकाश की चाल होती ना, उतनी स्पीड से ये भी गति करते हैं। कौन सी तरंग होती है सर? ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या आपने दो बातें समझ ली हैं? मैंने क्या बोला? विद्युत चुंबकीय तरंग है, उदासीन तरंग है, निर्वात में प्रकाश की गति से ये गति कर सकती हैं। जितनी प्रकाश की गति होती है निर्वात में, उतनी से ही ये भी गति कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए समझ आते हैं, जरा एक बात आप ध्यान से समझ लेना, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। तो विद्युत चुंबकीय जो तरंगें होती है, इनका स्पेक्ट्रम हम खोल के देखते हैं। इसके लिए आपको मैं यहां पे एक इस तरह से डिब्बा बनाता हूं, आपको भी ऐसे बना लेना है। एक मैं डिब्बा बना दे रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझ लेना, बस ध्यान से कर लेना, एक ही बार में आपको ये सारा कंफ्यूजन आपका क्लियर हो जाने वाला है, ठीक हो गया है? एक ही बार में सारा कंफ्यूजन आपका क्लियर, ठीक सर? है क्या ये विद्युत चुंबकीय तरंग का स्पेक्ट्रम? देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग की जब मैं बात करता हूं, देखिए जहां पे अधिकतम, क्या होगी सर? आवृत्ति होगी। जहां पे अधिकतम आवृत्ति होगी वहां पे क्या होगा सर? न्यूनतम, तरंग, दैर्ध्य होगा, ठीक है। न्यूनतम क्या होगा सर? तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य क्या होता है? वेवलेंथ। तरंग लेंथ क्या होती है? वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है? वेव यानी कि जो तरंग है उसकी लंबाई, ठीक है। आवृत्ति क्या होती है सर? फ्रीक्वेंसी। याद रखना जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके सर? इस तरंग दैर्ध्य के। तरंग दैर्ध्य को हम लैम्डा से दर्शाते हैं,
इसे लेमडा कहा जाता है। आपको ये याद नहीं रखना है, बस मैं समझा रहा हूं। इसका मतलब क्या है, अगर आपकी जो फ्रीक्वेंसी है ये ज्यादा होगी तो ये क्या होगी आपकी कम, इसलिए मैंने लिखा अधिकतम। अगर आपकी आवृत्ति होगी तो तरंग दैर्ध्य क्या होगी आपकी न्यूनतम होगी, क्योंकि इसके क्या है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आपकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी आपकी कम होगी। क्लियर, आप देखिए समझ यहां पे, जरा मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए यहां पे, यहां पे तरंग दैर्ध्य क्या यहां पे कम है, आवृत्ति यहां पे क्या ज्यादा। अब यहां पे आवृत्ति अगर ज्यादा है तो यहां सर आवृत्ति क्या होगी, यहां पे आवृत्ति क्या होगी आपकी कम होगी। अगर आवृत्ति न्यूनतम है, न्यूनतम है आवृत्ति, तो तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य क्या होगा आपका अधिकतम होगा कि नहीं होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो भाई अधिकतम होगा कि नहीं होगा, जाहिर सी बात है ये अधिकतम होगा। अब देखिए समझ आप, हम कर क्या रहे हैं अभी, विद्युत चुंबकीय, ठीक है, उसका हम क्या बना रहे हैं, स्पेक्ट्रम बना रहे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग का हम स्पेक्ट्रम बना रहे हैं। ठीक है, देखिए इसका, अब मैं विद्युत चुंबकीय तरंग में सबसे पहली तरंग, ठीक है, सबसे पहली तरंग होती है, इसे हम बोलते हैं गामा तरंग। क्या बोलते हैं, गामा रेश, गामा तरंग, ठीक हो गया। ठीक है, अब देखिए आप, मैं जितनी भी तरंग लिखूंगा आपको दिमाग में ध्यान रखना, सबसे पहली तरंग, पहली सर कौन सी होती है, गामा तरंग जो होती है इसकी आवृत्ति क्या होती है, सर्वाधिक होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है इसकी, सर्वाधिक होती है, लेकिन तरंग दैर्ध्य इसकी क्या होती है, न्यूनतम होती है। आपके पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछेगा किस तरंग की तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होती है, तो आप बताओगे सर गामा तरंग की तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होती है, जबकि किसकी तरंग, किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है, तो गामा तरंग की आवृत्ति क्या होती है, अधिकतम होती है। ठीक, चल गामा तरंग के बाद आपकी दूसरी तरंग होती है, इस तरंग को हम बोलते हैं, इस तरंग एक्स तरंग, क्या बोलते हैं इसे, बोलते हैं एक्स तरंग, एक्स रे, एक्स तरंग, इसे हम क्या बोलते हैं, एक्स तरंग। अब मुझे एक बात तो समझ में आ गई है, एक्स आपकी जो तरंग होती है इसकी आवृत्ति, इसकी आवृत्ति गामा से तो कम है, गामा देखो यहां पे ये इधर को जा रहा है ना, इधर को जा रहा है, देखिए यहां पे इधर को जा रहा है, ठीक है, और ये क्या पे तरंग दैर्ध्य यहां पे क्या न्यूनतम है, ये क्या यहां पे अधिकतम है, ठीक है, ये किधर को जा रहा है भैया, ये इधर को जा रहा है, ऐसी तो है, यहां अधिकतम से न्यूनतम की तरफ आ रहा है ना, और यहां पे ये अधिकतम से न्यूनतम की तरफ जा रहा है, ऐसी तो है। अब देखिए समझ आते हैं, तो जो एक्स तरंग है इसकी तरह, इसकी जो आवृत्ति है वो गामा से तो कम दिख रही है मुझे, लेकिन तरंग दैर्ध्य इधर को बढ़ रहा है, सॉरी यहां पे तरंग दैर्ध्य क्या हो रहा है, अरे तरंग न्यूनतम से अधिकतम को जाना है ना मुझे, तो मैंने तो ये उल्टा कर दिया है, तरंग दैर्ध्य तो न्यूनतम से अधिकतम को जा रहा है, ठीक है, और ये वाला कहां को जाएगा, न्यूनतम से अधिकतम को ना, ऐसा है ना ये वाला, ठीक है, ऐसा क्या आप बात रही है, ठीक है, तो एक्स जो तरंग है इसकी तरंग दैर्ध्य क्या है, गामा से ज्यादा है, लेकिन आवृत्ति क्या है, गामा से कम मुझे यहां पे देखने को ये मिल रही है, क्या आपको बात पल्ले पड़ गई है। अब जरा बात को ध्यान से समझो, एक्स तरंग के बाद जो आपकी अगली तरंग आती है, इसमें टोटल 7 तरंग लिखने वाला हूं, कितना बे 3 6 7 7 लिखने वाला हूं, तो 7 डब्बे आपको इसके अंदर बनाने हैं, उसी हिसाब से आप बनाना अपने हिसाब से, ठीक है। चल तीसरी जो तरंग होती है, तीसरी तरंग, इस तरंग को हम बोलते हैं पराबैंगनी तरंग, क्या बोलते हैं इसको, पराबैंगनी, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रे से कहा जाता है पराबैंगनी तरंग। तो सर मैं पराबैंगनी तरंग में क्या देख रहा हूं, पराबैंगनी तरंग की जो आवृत्ति है वो गामा और एक्सरे तो ज्यादा है, लेकिन इसकी तरंग दैर्ध्य जो है, ठीक है, मतलब इसकी जो आवृत्ति है, सॉरी आवृत्ति जो है गामा और एक्स से तो कम है, आवृत्ति क्या है इसकी कम है, न्यूनतम की तरफ कम जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसकी जो तरंग दैर्ध्य है वो क्या है, गामा और एक्सरे से क्या है, ज्यादा है। क्लियर, इसके आगे देखिए यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट आ गया अगला पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगली जो तरंग है वो होती है, उसे हम बोलते हैं दृश्य तरंग, क्या बोलते हैं, दृश्य तरंग, ठीक है, विजुअल रेस हम इसको कहते हैं, दृश्य तरंग, जो दृश्य तरंग है, ठीक है, दृश्य तरंग, इसको हम दृश्य प्रकाश भी कहते हैं, दृश्य प्रकाश, ठीक है, विजुअल जो आपकी लाइट होती है, विजुअल लाइट सर कौन सी होती है, ये वो लाइट है जिसके माध्यम से हम किसी भी चीज को देख पाते हैं, जैसा आप अभी फोन पे आप मुझे देख पा रहे हैं, किन तरंगों की वजह से, दृश्य तरंगों की वजह से, एक बात समझ लेना, आप देखिए जो दृश्य तरंग होती है ना, दृश्य तरंग होती है, ये दृश्य तरंग कई प्रकार की होती है,
थोड़ा सा मैं यहां पे इसे एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए यहां पे बहुत ध्यान समझ के चलना, ठीक है। दृश्य तरंगें क्या होती है आपकी, कई प्रकार की होती हैं। देखिए अबे एक आपको इस तरह से मैं ऐसा करता, आपने बचपन में आपने पढ़ा होगा, आपने बचपन में पढ़ा होगा विवग्योर। क्या पढ़ा होगा आपने? विवग्योर, ठीक है। तो विवग्योर में अलग अलग आपने रंग पढ़े होंगे, ठीक है। पहला आपने पढ़ा होगा क्या? वी। पहला आपने क्या पढ़ा? वी पढ़ा होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? वॉयलेट। वॉयलेट यानी क्या बोलते इसका हम? बैगनी। क्या बोलते इसका हम यहाँ पे? बैगनी कहते हैं, ठीक है। दूसरा आपका बे होता है आई। आई आई से क्या होता है सर? इंडिगो। इंडिगो से होता है यहाँ पे जामुनी कलर। जामुनी कलर, ठीक है, इसे डार्क नीला भी कह देते हैं, ठीक है। तीसरा जो होता है सर विब ग्योर, ठीक है, यहाँ पे विब। बी से क्या होता है सर? ब्लू यानी कि नीला। बी से क्या होता है आपका? ब्लू यानी कि नीला, ठीक है। इसके बाद बे आगे, इसके बाद आपका यहाँ पे जी, ठीक है। जी यानी ग्रीन, यानी कि आपका होता है हरा, ठीक है। हरे के बगल में हरी यहाँ पे विब ग्योर, ठीक है। जी वाई, वाई से बोले तो येलो यानी कौन सा था? पीला, ठीक है, विब ग्योर, ठीक है। इसका में आगे आपका होता है अबे ओ। ओ बोले तो आपका ऑरेंज यानी कि ऑरेंज, अबे नारंगी, नारंगी, ठीक है। और इसके बगल लास्ट आपका बे ये होता है आपका आर यानी कि विब ग्योर। आर बोलता आपका रेड यानी कि लाल। आप देखिए समझ आप हो क्या रहा है, सिस्टम तो वही है। इधर क्या बढ़ रही है? तरंग दैर्ध्य बढ़ रही है। इधर को तरंग दैर्ध्य बढ़ रही है, इधर को आपकी आवृत्ति बढ़ रही है। आप जरा ध्यान रखना, अगर आपसे कोई बोलेगा कि आप जरा आप मुझे बताइए इनमें से किसकी तरंग दैर्ध्य आपको सबसे ज्यादा दिख रही है, किसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा दिखा? भाई मुझे दिख रहा है कि लाल की तरंग दैर्ध्य क्या है? सबसे ज्यादा है। इसकी तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा मुझे दिख रही है, सबसे ज्यादा दिख रही है। लेकिन इसकी आवृत्ति, इसकी आवृत्ति मुझे क्या दिख रही है? आवृत्ति यहां मुझे न्यूनतम दिख रही है। दिख रही, दिख रही है, ठीक है। इसका मतलब लाल रंग की तरंग दैर्ध्य क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। बहुत दूर से भी ये लाल रंग आपको दिखाई देने लगता है, इसीलिए जितने भी खतरे के निशान होते हैं उन सबको लाल ही बनाया जाता है, ताकि इनकी ये दूर से होते हैं, मतलब दूर से ये दिख जाते हैं। इसलिए हमारे देव के आईएएस के भी जो बोर्ड आपको दिखेंगे वो सब आपको लाल रंग में ही ज्यादातर दिखेंगे आपको, ऐसा कहे के लिए जहां पे भी लगे होंगे दूर से दिखेंगे, इस वजह से लाल रंग के ही बनाए जाते हैं, हम उनको लाल रंग का ही बनाते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखिए मैं अब आपसे को बोलेगा सर सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी है? बैगनी कलर की। अगर मैं अपना बोर्ड बैगनी कलर का बना दूंगा ना, शाम को 5 बजे के बाद दिखेगा ही नहीं वो बोर्ड, बात समझ आ रही है? इसलिए हमको बैगनी कलर, बैगनी कलर की तरंग दैर्ध्य क्या होती है सर? तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य क्या होती है इसकी? न्यूनतम होती है, न्यूनतम, ठीक है। लेकिन इसकी आवृत्ति क्या होगी? आवृत्ति क्या होगी इसकी? अधिकतम होगी। आवृत्ति क्या होगी इसकी? अधिकतम होगी। क्या बात पल्ल बढ़ गए? अब देखिए बाकी ये इसी सीरीज में है, ठीक है। जामुनी की तरंग दैर्ध्य बैगनी से ज्यादा होगी, नीले की इससे ज्यादा होगी, इन दोनों से ज्यादा, हरे की इन तीनों से ज्यादा, और सबसे ज्यादा किसकी होगी यहाँ पे? लाल की, ठीक है। इस तरह से आवृत्ति सबसे ज्यादा किसकी है? बैगनी की, और सबसे कम किसकी होगी? रेड की। बाकी इस तरह ही बढ़ते चलेगा। क्या आपको ये बातें समझ में आ गई है? क्या आपको कुछ बातें पल्ले पड़ रही है? मेरे हिसाब से तो आपको ये समझ में आ जानी चाहिए, है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिए दृश्य प्रकाश की हम बात करते हैं, दृश्य प्रकाश के बाद अगली जो तरंग आती है, अगली जो तरंग आती है, इन तरंगों को हम बोलते हैं अवरक्त तरंग। क्या बोलते हैं आपे? अवरक्त। इन्हें आपे अवरक्त तरंग कहते हैं, ठीक है। इन्फ्रारेड, क्या बोलते हैं आपे? इन्फ्रारेड तरंग, ठीक है। अवरक्त तरंग बोले तो इन्फ्रारेड। एक बात समझ लेंगे आपे, इन्फ्रारेड जो तरंग है इनकी तरंग दैर्ध्य दृश्य प्रकाश परावैगनी एक्स गामा से ज्यादा होती है, लेकिन आवृत्ति इन चारों से कम होती है, कोई दिक्कत नहीं। कौन सी है? ये इंफ्रारेड तरंगे हैं। अगली जो तरंग आती है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपके सूक्ष्म तरंग। कौन सी होती है? सूक्ष्म तरंग। इसी सूक्ष्म तरंग को हम लोग बोलते हैं माइक्रोवेव। क्या बोलते हैं इसको सर? हम माइक्रोवेव कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंग, माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंग की तरंग दैर्ध्य क्या है यहां पे? सेकंड नंबर पे सबसे कम, लेकिन आवृत्ति
तरंग दैर्ध्य सेकंड नंबर पे सबसे अधिक, सॉरी सेकंड नंबर पे क्या है तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है, आवृत्ति क्या है सेकंड नंबर पे सबसे कम। ठीक, चलो अब देखिए आप अंतिम जो तरंग होती है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे हम बोलते हैं रेडियो वेव्स, रेडियो तरंग, रेडियो तरंग, रेडियो तरंग। ठीक है, रेडियो तरंग जो होती है ध्यान समझ लेना, रेडियो तरंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है और रेडियो तरंग की जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे कम होती है। क्लियर हो गया? ठीक है, क्या आपको ये बातें मेरी समझ में आ रही हैं? क्या आपको बात समझ आ रही है? आनी ही चाहिए। अब देखिए जो ये सूचना प्रौद्योगिकी है ना, ये अब बजे जो ये कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, ये पास से होती है कि दूर से होती है? भाई पास से होती है कि दूर से होती है? भाई दूर वाले सैटेलाइट से होती है ना। अभी तो मैंने आपको समझाया था, पिछली क्लास में आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपने, आपने पढ़ा था कि सर पृथ्वी के एक सबसे पास वाली कक्षा में जो सैटेलाइट होते हैं, सबसे पास वाली कक्षा में जो होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं क्या, सुदूर संवेदी सैटेलाइट। ठीक है, इनका काम क्या होता है, पृथ्वी की फोटो खींचना और बताना कहां पे कौन से रिसोर्सेज हैं। दूसरा आपका होता है कौन सा, अबे दूसरा अबे ये बीच वाली जो आपकी ऑर्बिट होती है, और तीसरा होती है सबसे बाहर वाली। ठीक हो गया? ठीक है, अब जो दूर संचार उपग्रह है जिनसे आप अभी मुझे देख पा रहे हो, हम बात कर पा रहे हैं, फोन हम चला पाते हैं, वीडियो कॉल कर पाते हैं, वो सब उपग्रह किसमें होते हैं आपके, इस वाले में। ठीक है, इन्हें बोलते हैं दूर संचार उपग्रह, दूर संचार उपग्रह। सर किसमें होते हैं हमारे, ये जियो वाली कक्षा में। ठीक है, टेली कम्युनिकेशन सैटेलाइट, क्या बोलेंगे, दूर का मतलब टेली, दूर का मतलब टेली, हम टेलीफोन, टेलीफोन तो बोलते हैं टेलीफोन, इसलिए है दूर से कम्युनिकेशन करता है। ठीक है, दूर टेली कम्युनिकेशन सैटेलाइट किसमें होते हैं सर, जियो कक्षा में, सबसे बाहर वाली में। अब मुझे बताया जब मुझे यहां से पृथ्वी से यहां संपर्क स्थापित करना है तो वेवलेंथ कम वाली हम तरंगों का यूज करेंगे, ज्यादा वाली करेंगे, मतलब इसका करेंगे, इसका, इसका करेंगे कि उसका करेंगे, भाई जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, अधिकतम वेवलेंथ किसकी है, रेडियो तरंगों की। तो इसका मतलब आपको एक बात चल गई है कि दूर संचार करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, रेडियो तरंगों का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, रेडियो तरंगों का हम यहां पे प्रयोग करते हैं, एक बात आप ये भी ध्यान से समझ लेना। ठीक है, तो भाई अगली हम एक बात यहां पर लिख लेते हैं, लिखो दूर संचार, नोट करके एक दो बात लिखो, दूर संचार यहां पर नीचे लिखो, दूर संचार, दूर संचार के लिए सर क्या होता है, रेडियो तरंगों का प्रयोग करते हैं, लिख लो रेडियो तरंगों का, इंपॉर्टेंट बात है, रेडियो तरंगों का हम क्या करते हैं इसमें प्रयोग करते हैं, दूर संचार के लिए सर हम क्या करते हैं, रेडियो तरंगों का हम प्रयोग करते हैं। क्या आपको ये बातें समझ में आ रही हैं? क्या आपको ये बातें समझ में आ रही हैं? आवाज की कोई परेशानी दिक्कत किसी को, आवाज की कोई दिक्कत परेशानी किसी को, कोई परेशानी दिक्कत किसी को नहीं है तो भाई अच्छी बात है, अगर कोई परेशानी दिक्कत नहीं है तो अच्छी बात है। ठीक हो गया सुनील, इससे पासवर्ड लग गए, क्या था इसका पासवर्ड, अच्छा चलो इतना प्रश्न आ गया है। अब एक बात आपको और समझाता हूं, जो ये तरंग होती है ना विभिन्न तरंग, इनका हम यूज कहां कहां करते हैं अपने एग्जाम्स के लिए, इनके अनुप्रयोग जो हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिख लो इनके अनुप्रयोग, ठीक है, इनके हम अनुप्रयोगों की बात करते हैं, लिखो इनके अनुप्रयोग, ज्यादातर हमारे अनुप्रयोग ही पूछे जाते हैं, ध्यान रख लेना। ठीक है, तो हम एक साइड लिखते हैं, देखो तरंग हम लिखते हैं, तरंग हम लिखते हैं, तरंग एक साइड हम लिखते हैं, इसके अनुप्रयोग है ना, अनुप्रयोग हम यहां पर लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, सब बहुत आसान है, बस थोड़ा ध्यान समझना। ठीक है, तो यहां पर तो आपको यहां मुझे नाम ही नाम लिखना है, तो मुझे ज्यादा कुछ करना नहीं है। तो पहला नाम कौन सा, गामा तरंग है, लिखो गामा तरंग। ठीक है, ठीक है, हम सबका प्रयोग जो है अलग अलग जगहों पर हम करते हैं, तो किसका प्रयोग हम कहां कहां पर कर रहे हैं उनको देख लीजिए। आप जो गामा तरंग है इसका हम प्रयोग करते हैं कृत्रिम, लिख लो, ठीक है, कृत्रिम रेडियो धर्मिता में, रेडियो धर्मिता, ठीक है, कृत्रिम रेडियो धर्मिता जो है इसमें हम प्रयोग करते हैं, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत शानदार, आपको बातें समझ आ रही।
ठीक चल। अगर कोई आपसे, हालांकि देखो आप ये विषय यहां का है नहीं, अगर कोई आपसे बोले कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, ठीक है, तो आप सिंपल सा कह सकते हैं, जब हम परमाणु के, अगर हम तोड़ते हैं ना, परमाणु को हम तोड़ते हैं तो उसमें से क्या होती है, एनर्जी निकलती है, उसमें से क्या ना बे एनर्जी निकलती है। इस प्रोसेस को ही बेसिकली रेडियोधर्मिता कहा जाता है, आप ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। क्या निकलती है उसमें से, बे उसमें से एनर्जी निकलती है, एनर्जी एनर्जी निकलती है, उसे हम क्या बोलते हैं सर, रेडियो धर्मिता कहते हैं, आप ये बात ये ध्यान रखना, क्लियर, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, आपने हो गया है। और ये होगा कैसे, जब आपने सुना होगा ना बचपन में, हम आप लोग इंटर में कहीं आपने पढ़ा होगा, ठीक है, हम न्यूट्रॉन की बमबारी करते थे, है नहीं, हम बमबारी करते थे, ठीक है, आपने रदरफोर्ड का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो क्या होता है ना, बे जितने भी हमारे नाभिकीय विखंडन वगैरह होता है ना, वो सब इसी पे ही काम करता है, ठीक है। होता क्या था, उसमें परमाणु टूटता है और परमाणु टूटेगा तो उसमें से एनर्जी रिड्यूस होगी, ठीक सर। तो कृत्रिम रेडियो धर्मिता में हम क्या करते हैं, गामा रेस का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा दूसरा, ठीक है, एक आप लिखो स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रो स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है, एक आप लिखना, देखो स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है सर, स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है, जो प्रकाश, लिख लो, जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ की माप करने वाला एक यंत्र है, स्पेक्ट्रोमीटर। सर स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है, काम पे जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य क्या करता है, ये माप करता है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की क्या करता है, ये माप करता है, क्या बोलते हैं इसको, हमें स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक। चलो अब देखिए, अभी तीसरा इसका प्रयोग हमें, अभी एक हमें अभी गामा स्कैनिंग, देखिए यहां पर तो नाम ही आ रहा है, गामा स्कैनिंग, स्कैनिंग सर, गामा स्कैनिंग हम कहां पे करते हैं, गामा स्कैनिंग जहां पे हमें पेट्रोल डीजल, मतलब पेट्रोल हो गया या फिर खनिज तेल जो भी है ना, उनका हमें जब पता लगाना होता है, उनका हमें जब पता लगाना होता है, ठीक है, क्योंकि देखो गामा रेज है नहीं, ठीक है, गामा रेज, गामा तरंगे हैं, हम जानते हैं कि जो गामा रेज है इनकी आवृत्ति क्या होती है, अधिकतम, लेकिन वेवलेंथ क्या होती है, आपकी कम होती है, ठीक है। तो इसका प्रयोग गामा स्कैनिंग में भी करते हैं, जब हमें यहाँ पे तेल और पेट्रोलियम जो पदार्थ हैं इनके हमें क्या करनी होती है, ठीक है, इनके उत्पादन संबंधित समस्याएं होती है उनके निदान के लिए। आप यहाँ पे लिख लो, आप यहाँ पे सीधे लिखा, गामा स्कैनिंग का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, यहाँ पे आप लिखा तेल, तेल पेट्रोलियम, पेट्रोलियम तेल पेट्रोलियम के उत्पादन उत्पादन उत्पादन, ठीक है, संबंधित संबंधित जो आपकी समस्या होती है ना, समस्याएं उनके निवारण के लिए, उनके निदान के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अब कैसे करते होंगे वो तो फिर वही लोग जाने, है ना, हम नॉर्मली हम करते हैं। आप देखिए पे जो गामा स्कैनिंग है, तेल पेट्रोलियम और उत्पादन संबंधित जो समस्याएं होती है ना, मतलब इसके इसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, गामा स्कैनिंग का हम प्रयोग करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, गामा तरंग का हम प्रयोग करते हैं, ठीक। तो एक हमने जान लिया है, दूसरा हम लिखते हैं, लिखो एक्स तरंग, सेकंड आप लिखो, एक्स तरंग, ठीक है, सेकंड हमें क्या लिखना है, हम लिखो एक्स तरंग, एक्स तरंग की बात करते हैं, एक्स तरंग की बात करते हैं, तो भाई एक्स तरंग का एक यूज तो आप जानते ही हो, एक्सरे मशीन में हम करते हैं, एक्सरे मशीन में इसका यूज है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, एक्सरे मशीन में इसका। दूसरा हीरे की पहचान करने में भी इसका यूज होता है, एक्स तरंग का यूज हम यहाँ पे हीरे की पहचान करने के लिए भी करते हैं, इसको भी आप यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। तीसरे यहाँ पे लिखो पराबैंगनी तरंग, पराबैंगनी तरंग, पराबैंगनी तरंग, पराबैंगनी जो तरंग होती है इसका प्रयोग क्या बे सूक्ष्म जीव, इसका प्रयोग सर कहाँ करते हैं, सूक्ष्म जीव व कीटनाशक नाशक, ठीक है, को मारने में, को मारने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, सूक्ष्म जीव और जो बैक्टीरिया है, जीवाणु वगैरह, ठीक है, कीटनाशक यानी कि जीवाणु वगैरह, अब सबको तो नहीं मारेंगे, जीवाणु को मारने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद दूसरा पे जो नकली नोट होते हैं, नकली नोट की पहचान करने के लिए, भी हम इसका प्रयोग करते हैं, किसका पे, पराबैंगनी तरंगों का, ठीक है, पराबैंगनी तरंगों का हम इसके लिए हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं। अगला यहाँ पे अगला है आपका दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश, ठीक है, दृश्य प्रकाश का प्रयोग हम जो कर रहे हैं ना, ठीक है, इसका वस्तुओं को देखने के लिए, तो हमको पता ही है वस्तुओं को देखने के लिए, अभी आप फोन देख रहे हैं, अभी आप फोन देख रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब देख रहे हैं, किसकी वजह से, दृश्य प्रकाश की वजह से, ठीक है। इसके लिए देखा लेजर,
ठीक है। लेजर में भी इसका प्रयोग होता है, इसका आप लीडर, LIDER, ठीक है, LIDER, लीडर। सर लेजर क्या होता है? लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है, मेजर मेजर, ठीक है, लाइट डिटेक्टिंग रेंज, ठीक है, इनके फुल फॉर्म चाहो तो आप यहां पे लिख लो। मैंने बोला सर ये क्या होता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। अगर मेरी आवाज आपको ठीक समझ में नहीं आ रही है तो लेजर लिखो गूगल पे, गूगल पे लिखो लेजर, फुल फॉर्म जो आ रही है उसको यहां पे लिख दो, हिंदी अंग्रेजी कैसे भी, ठीक है। लीडर LIDER, सर क्या होता है, LI बोले तो लाइट, DA बोले तो डिटेक्टिंग, R बोले तो रेंज, लाइट डिटेक्टिंग रेंज ये होती है जिसे हम बोलते हैं लीडर। तो भाई लेजर और लीडर दोनों में ही दृश्य तरंगों का प्रयोग होता है, दृश्य तरंगों का इसमें क्या होता है प्रयोग, ठीक है। चल अब देखिए यहां पे अगली जो तरंग है, अगली तरंग है, हमको यहां पे एक दो और देखनी है। लिखो अवरक्त तरंग, कौन सी होती है, अवरक्त, अवरक्त तरंग, अवरक्त तरंग, ठीक है। ठीक है अवरक्त तरंग का प्रयोग सबसे पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, सुदूर संवेदी, सुदूर संवेदी, सुदूर संवेदी जो आपके सैटेलाइट होते हैं ना, उपग्रह, उपग्रह में इसका प्रयोग करते हैं। सर सुदूर संवेदी का होते हैं जो पृथ्वी के सबसे नजदीक वाली कक्षा में होते हैं, उन उपग्रहों में हम शुद्ध किसका वे अवरक्त तरंगों का हम इसमें प्रयोग करते हैं। इसके अलावा देखिए आप जो टीवी का रिमोट होता है ना, रिमोट, ये भी तो ज्यादा दूर थोड़ा होता है भाई, यहां वहां टीवी रखी हुई है, तो नजदीक के लिए हम क्या करते हैं अवरक्त तरंगों हम क्या करते हैं प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जो आपका NIGHT नाइट, ठीक है, नाइट विजन, नाइट विजन जो आपका कैमरा होता है ना, कैमरा, ठीक है, नाइट विजन आपका जो कैमरा होता है ना, जो बेसिकली आर्मी वालों के पास होता है रात में देखने के लिए दुश्मन कहां छिपा हुआ है, उसमें भी हम अवरक्त तरंग का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला अगला आपने माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंग, सूक्ष्म तरंग की बात करते हैं। देखिए आप सूक्ष्म तरंग जो है इसका प्रयोग एक तो हम जानते हैं माइक्रोवेव, जब हम घर में खाना गर्म करते समय पे पेटीज वगैरह गर्म करते हैं तो माइक्रोवेव में इसका प्रयोग होता है। सर कहां होता है, माइक्रोवेव में इसका प्रयोग होता है, पहली बात आप। सेकंड दूसरा इसका प्रयोग हम करते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में इसका हम प्रयोग करते हैं। सर चिकित्सा के क्षेत्र में जैसे हमने हम ब्लड का हम सैंपल निकालते हैं ना, तो फिर उसको देखने के लिए है ना, वो अब डॉक्टर ही ज्यादा बेटर बता पाएगा, ठीक है। तो फिलहाल हम चिकित्सा के क्षेत्र में हम इसका प्रयोग करते हैं, किसका, सूक्ष्म तरंगों का। इसके अलावा ठीक है, यहां पे अगला आखिरी आपका है रेडियो वेव्स, कौन सी होती है सर, रेडियो तरंगें, कौन सी होती है, रेडियो वेव्स या रेडियो तरंग, रेडियो तरंग में आपको बताई चुका हूं इसका सबसे मेन जो काम है एक ही है भैया, वो कौन सा है, दूर संचार, दूर संचार जो हम पढ़ रहे हैं। अब दूर संचार में सर क्या क्या आ गया आपका, दूर संचार में सर आप क्या क्या करते हैं, या तो आ गया रेडियो संचार, ठीक है, या तो आपका टीवी हो गया, या आपका मोबाइल संचार हो गया, ठीक है, या रडार हो गया, ये सब क्या है आपके दूर संचार वाले हैं, ये सब क्या आपके दूर संचार वाले हैं। क्या आपको ये बातें समझ में आ गई हैं, क्या आपको ये बात पल्ले पड़ गई है, मेरे हिसाब से तो आपको ये बात सब समझ में आ जानी चाहिए है। अब देखिए तो आपको टेलीकम्युनिकेशन आपको समझ में आ गया है, मेरे हिसाब से तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए है। अब देखिए यहां पे जब मैं सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की बात करता हूं तो अगला एक टॉपिक आपको और पढ़ लेना, इसमें लिख लो मोबाइल तकनीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना आपको इसमें, मोबाइल, लिख लो मोबाइल, मोबाइल टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी आपको देख लेनी है, मोबाइल तकनीक आपको देख लेनी है। मोबाइल तकनीक में हमको फर्जी फर्जी बातें नहीं पढ़नी है, आज के जमाने में भैया जिस मोबाइल का हम यूज करते हैं, ठीक है, वो मोबाइल आपका 4G फोर्थ जनरेशन है मोबाइल की, ठीक है, पहले आपका 1G 2G 3G अब क्या चल रहा है 4G चल रहा है, इसके बाद अभी जो लेटेस्ट हम जिसका यूज हम करने लग गए हैं धीरे धीरे आप, वो है आपका 5G, ठीक है, जैसे मेरा फोन भी है ये कैसा है आपका 5G है, हम अब 5G का यूज हम करने लग गए हैं, क्या आपको बात करनी पड़ी, ठीक है। अब देखिए समझिए आप, तो हमको तो हमें दो ही चीजें पढ़नी है इसमें, एक हमको पढ़ना है सर 4G के बारे में,
क्या पढ़ना हम आपका पे? हमको यहाँ पे 4G के बारे में पढ़ना है और एक हमको पढ़ना है 5G के बारे में। देखो ज्यादा 4G के बारे में करना क्या है, हमें कितना पढ़ना है। ठीक है, जो 4G है, इस 4G को बोलते हैं लाइट, LTE। क्या बोलते हैं इसको? लाइट। ठीक है, 4G का हम क्या बोलेंगे? लाइट। सर ये लाइट क्या होती है? लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म, ठीक है, एवोल्यूशन। लाइट की फुल फॉर्म एग्जाम में आ सकती है। क्या बोलते हैं सर इसको? लॉन्ग, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। ठीक है, लॉन्ग टर्म आप लिखना, देखो एवोल्यूशन, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन किसके फॉर्म में? लाइट। दूसरा, इसी को ही, लाइट को ही इसी को आप एक होता है वोल्ट, वोल्ट। ठीक है, आप वो लाइट कहते होगे, कुछ लोग आप वोल्ट कहते हैं, जो भी कहते हैं आपने। अब इसकी फुल फॉर्म क्या होती है सर, याद रखना एक बार आप लिखा, देखो वॉइस ओवर, बस पीछे तो यही है, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन पीछे यही है, बस VO को हम क्या बोलते हैं? वॉइस ओवर। यानी कि इसका फुल फॉर्म भी आपको यहीं पे लिख लेना है सर, क्या होता है? वॉइस ओवर, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। जब आपका 4G का फोन आपका चलता होगा तो ऊपर से ये लिखा आता होगा LTE लाइट और वो लाइट, ये आपको वहां पे लिखा आता होगा। ठीक, अब एक बात और समझते हैं। देखिए आप जो ये 4G है, ये जो 4G है, इस 4G को हम 4G क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 4G जो है, ये हमें चार तरह की सेवाएं देता है। क्या करता है सर? ये हमको चार तरह की, हमको ये सर्विसेज देता है, इसलिए हम इसको 4G कहते हैं। चार तरह की सर्विस में हमको क्या क्या देता है ये? एक तो ये हमको कॉल करने की सेवा देता है। हम अपने 4G फोन से कॉल कर सकते हैं, हम अपने 4G फोन से क्या कर सकते हैं? कॉल कर सकते हैं। ठीक, चलो हम अपने 4G फोन से क्या कर सकते हैं? आप कॉल कर सकते हैं। मैं कॉल आपको करके दिखाने वाला नहीं हूं, चिंता नहीं करने का आपको। ठीक है, LTSST का बैच जो है स्टार्ट हो गया है, बहुत अच्छी बात है, इसको मैं ये कर देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अच्छी बात हो गया, तो ये भी होना चाहिए, आवश्यक है। ठीक है, देखिए तो 4G हम क्या बोलते हैं? 4G हमें क्या करता है? चार तरह की सेवा देता है। पहला क्या करता है? हम कॉल कर सकते हैं BSS से। दूसरा, हम इससे क्या कर सकते हैं? मैसेज कर सकते हैं, SMS। ठीक है, तीसरा, हम इससे वीडियो कॉल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं सर? वीडियो कॉल हम इससे कर सकते हैं। ठीक है, आप एक बात समझना, चौथा हम इससे क्या कर सकते हैं? चौथा हम इससे वॉइस, ठीक है, या भेज, चौथा में VOIP। ठीक है, VOIP एक हम ये कर सकते हैं सर। ये क्या होता है? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, याद रखना फुल फॉर्म पूछ लेगा। क्या बोलते हैं फुल फॉर्म सर? VOIC, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। किसके फॉर्म में सर ये? VOIP की। सर ये होता क्या है? चौथी सेवा। भाई यहां तक तो हमको पता है, ठीक है, हमको कॉल, मैसेज, वॉइस, वीडियो कॉल हमें पता है। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का मतलब ये है इंटरनेट के माध्यम से कॉल करना। इसका मतलब क्या है सर? इंटरनेट के माध्यम से कॉल करना, कॉल करना, इंटरनेट के माध्यम से कॉल करने को हम क्या बोलते हैं? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब एक बात समझा भाई, ठीक है, जब से ये 4G आया है ना, तब से आपके रिचार्ज है ना वो सस्ते हो गए हैं। पता है काहे के लिए? क्योंकि 4G ने हमको ये सुविधा दे दी, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। पहले से क्या होता था? एक कॉल करने के एक मिनट के ₹1 घट जाता था। हम मिस कॉल खेलते थे। एक बात समझो, आज आपके फोन में वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल है। ठीक है, आपका वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल है, यानी कि आप इंटरनेट के माध्यम से कॉल कर सकते हैं, यानी कि फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से आप कॉल कर सकते हैं। फेसबुक से भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप से भी आप कर सकते हैं कॉल। अगर आज के टाइम पे कंपनी वाले आपसे बोल रहे हैं कि भाई हम 1 मिनट का ₹1 लेंगे आपसे, तो क्या आप कंपनी के फोन के रिचार्ज से आप बात करोगे? क्या? कभी नहीं करोगे। आप किसका यूज करोगे? आप फिर ये वॉइस कॉल जो है ना, ये वाला व्हाट्सएप का, उससे आप कॉल करोगे। इसीलिए कंपनी को पता है जब 4G आ गया है तो अब इनको ये अब ₹1 1 मिनट का देंगे नहीं ये लोग,
इसलिए उसने क्या कर दिया, एक ऐसा रिचार्ज बना दिया अनलिमिटेड बात करो, अनलिमिटेड बात करने के लिए उनको तुम्हें क्या कर दिया, रिचार्ज दे दिया। ठीक है, मतलब क्या हो गया, इससे हमारे रिचार्ज जो है क्या हो गए, वो सस्ते हो गए हैं। एक बात आप और समझना, आप देखो जो 4G है फोन आपका, इसमें आपकी स्पीड जो होती है ना, स्पीड गति, ये आपके यहां पे 3 Mbps, 3 Mbps। ठीक है, Mbps सर क्या होता है, ठीक है, MB per second से लेकर के 2 GB per second तक की इसमें स्पीड आती है। 3 MB per second से लेकर के 2 GB per second तक की इसमें स्पीड आती है। किसमें काम है आपने, 4G फोन में, आपको 4G समझ गया है। मोबाइल टेक्निक में अगला देख लेते हैं 5G। अगला आप यहां पर लिखिए 5G। ये हमारी आज के इस क्लास की आखिरी बात रहने वाली है, कौन सी, 5G। कोई दिक्कत नहीं है, 5G की हम बात कर लेते हैं। तो देखो 5G को हम 5G क्यों बोल रहे होंगे, 5G को हम 5G क्यों बोल रहे होंगे, 5G को हम 5G क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये 5G हमें क्या करेगा, 5 तरह की हमें ये सुविधाएं देगा, जाहिर सी बात है। लेकिन 5G जब आएगा ना, एक तो देखो आप LTE तो ये होगा ही होगा, ठीक है, लाइट टर्म एवोल्यूशन तो ये होगा होगा। इसके आगे भैया इसमें एक चीज और आपको दिखेगी, एडवांस, ठीक है, एडवांस प्रो प्लेटफॉर्म, ठीक है, एडवांस APP। LTE के आगे क्या लिखा आएगा, APP, मतलब सर क्या है, एडवांस प्रो प्लेटफॉर्म, ये है कौन सा, वाई कौन सा, 5G हमें सर क्या करता है, 5 तरह की सुविधाएं देता है, 4 5 4 तो अब मैं समझ में आ गया है। पहला तो मुझे ये कॉल करने को देगा, भाई कॉल तो मैं कर ही पाऊंगा इससे, दूसरा मैं इससे SMS कर पाऊंगा, तीसरा मैं इससे वीडियो कॉल कर पाऊंगा, चौथा मैं इससे वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, भाई ये तो मैं 5G से कर पाऊंगा ना, भाई इससे मैं कॉल नहीं कर पाऊंगा क्या, इससे तो कर ही पाऊंगा, 4G में ही कर रहा हूं तो इसमें भी करूंगा, ठीक है। लेकिन इसमें आप एक ही एक सुविधा और मिलेगी, वो होगी आपका पे IoT। एक अगली सुविधा आपको मिलेगी आप 5G में, उसे हम बोलेंगे IoT, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। IoT क्या है, IoT यहां पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, फुल फॉर्म क्या होगी सर इसकी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सर इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब क्या है, देखिए यहां तक मैं समझ में आ गया है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब यह है इंटरनेट से थिंग्स यानी कि वस्तुओं को जोड़ देना, इसका मतलब है। ऐसी सुविधा आपको 5G मिलेगी, मतलब सर क्या मिलेगा इसमें, जैसे आपके घर में पंखा चल रहा है और आप ऑफिस चले गए हैं और पंखे को बंद करना भूल गए हैं, वो पंखा आपके फोन से जुड़ा होगा, ठीक है, वो पंखा आपसे फोन से जुड़ा होगा और आप अपने पंखे को ऑफिस से बंद कर सकते हैं, ठीक है। आपके घर में CCTV लगा हुआ है, उसे आप अपने फोन से बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं, ठीक है। आपने देखा था ना दृश्यम मूवी के अंदर, अजय देवगन के पास भाई 5G चला रहा था दृश्यम में, अजय देवगन, ठीक है, उसके जहां वो लाश दफना रखी थी ना, उसने कहा वो पुलिस स्टेशन के अंदर, भाई उसको अपने फोन पे तो देखता था, ऑफिस में बैठ के कहां क्या हो रहा है करके, ठीक है, अपने घर के CCTV से देखता था, ठीक है। तो किसका यूज कर रहा था अजय देवगन, IoT का, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का वो क्या कर रहा था, प्रयोग कर रहा था। 5G में हम लोग भी इसका प्रयोग करेंगे। आप देखिए समझ आप एक बात समझे, इसमें जो स्पीड आएगी, स्पीड किसमें सर, 5G में, इसमें जो आपकी स्पीड रहेगी वो स्पीड आपकी थोड़ा सा ज्यादा रहेगी, ठीक है। यहां पर आप स्पीड हम यहां पर लिख सकते हैं 20 GB per second, ये तो होगी आपकी इसमें डाउनलोडिंग स्पीड, कौन सी जगह पे, डाउनलोड की स्पीड होगी। हम मतलब जैसे आपकी जो मूवी होती ना, डाउनलोड लगाओगे कर लगाते ही बूम सारा डाउनलोड हो जाएगा, 20 GB की है, ठीक है, डाउनलोडिंग स्पीड है। लेकिन इसकी ब्राउजिंग स्पीड कौन सी यहां पे, ब्राउजिंग यानी कि अपलोडिंग स्पीड, ठीक है, ब्राउजिंग तो वैसे ही हो जाएगा, ठीक है, अपलोडिंग जो आप अपने ट्विटर पे अपने इंस्टाग्राम पे जो फोटो अपलोड करते हो, वीडियो अपलोड करते हो, कभी कभार बहुत देर लग जाती है,
भाई ये स्पीड आ जाएगी तो दू एक सेकंड के अंदर, और 30 सेकंड वाले का वो उसका तो पता भी नहीं चलेगा कब हो गया करके, ठीक है। और भाई ये क्या होगा आपका इसमें अपलोड हो जाएगा, ठीक है। कितनी अपलोडिंग स्पीड कितनी होगी, 10 GB/s की इसमें क्या होगी अपलोडिंग स्पीड होगी। एक बार आप इसमें समझना, अभी इस 5G के अंदर हम क्या कर रहे हैं, 5G के अंदर हम दो नैरो बैंड का हम प्रयोग कर रहे हैं, नैरो बैंड का हम इसमें प्रयोग कर रहे हैं। अंग्रेजी हिंदी कैसे भी लिख लेना, नैरो बैंड का हम प्रयोग कर रहे हैं। सर ये दो नैरो बैंड कौन कौन से हैं, एक आपका ई एम टी सी बोले तो इनहेंस्ड मशीन टाइप कम्युनिकेशन, क्या बोलेंगे सर इसको, इनहेंस्ड मशीन टाइप कम्युनिकेशन। अगर मेरी आवाज समझ में आ गई है तो अच्छी बात है, नहीं आई है गूगल पे लिखो EMTC फुल फॉर्म जो आता है उसको इसके नीचे लिख दो, ठीक है। दूसरा आपका है NB IoT। सर NB क्या है, ये तो आपने लिखा भाई NB क्या है, नैरो बैंड। IoT तो आपको पता ही है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। एक बात आखिरी और जो आपको 5G में याद रखनी है वो ये इसमें जो भारत को आवृत्ति मिल रही है, फ्रीक्वेंसी, भारत को इसमें जो आवृत्ति मिल रही है वो मिल रही है 24.75 से लेकर के, ठीक है, 27.25 GHz। याद कर लेना, हमें 5G में जो हमारी फ्रीक्वेंसी हमें मिल रही है, आवृत्ति हमें जो मिल रही है, आवृत्ति सर क्या होती है, जैसा आपका एक बल्ब है ना, आपने सुना होगा इसकी आवृत्ति 50 Hz होती है। हर्ट्ज का मतलब क्या है, ये बल्ब आपका एक सेकंड में 50 बार ये जल रहा है और 50 बार बुझ रहा है, इसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, कितनी स्पीड से काम हो रहा है इसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो हमारे जो 5G है इसकी स्पीड, इसकी फ्रीक्वेंसी की आप GHz में है, GHz में, ठीक है। तो 24.75 से लेकर के 27.5 GHz तक इसकी यहां पे स्पीड रहेगी, ठीक है। तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं सब कुछ लगभग किसमें, आप जो आपका संचार प्रौद्योगिकी है इसमें आपका पे ये सब चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूं, क्लियर हो गए, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नहीं होगे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करना, ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना है, अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करना, नहीं आया तो डिसलाइक करना, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, क्लियर हो गया, ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।